Three step है, इसकी कल्चरल एंड इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है क्योंकि इट प्रोवाइडिट फॉल्स ऑफ ए रॉक फॉर्मेशन एट जो रॉक था दैट रिजेंबल्ड एन एलिफेंट दोस्ट्रॉय हो चुका है ड्यूरिंग एन अर्थ क्वेक सेवन बट नेट फॉल्स इट इज कॉल्ड एन एलिफेंट फॉल ठीक है तो कहाँ पे है ये मेघालिया में विथ स्टेट हैजार्जेस्ट पॉपुलेशन यूपी महाराष्ट्र बिहार और आंध्र प्रदेश द आंसर इज यूपी उत्तर प्रदेश की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है दैट इज अराउंड थ्री हंड्रेड मिलियन उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है दैट इज इवन मोर देन दॉपुलेशन कम्बाइंड ऑफ मनी स्कैंडवियन नेशन ठीक है तो काफी ज्यादा पॉपुलटेड स्टेट है नेक्स्ट देखते हैं विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट एरिया पॉपुलेशन याद रख लेना यूपी है और एरिया में सबसे बड़ी स्टेट हमारी कौन सी है राजस्थान दिस स्टेट आगे चलते हैं च इज लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया आपको मिलेगी कर्नाटका ठीक है यहाँ पे कॉफी कहाँ कहाँ प्रोड्यूस की जाती है चिकमगलुरु ने चिकमगलुरु कुर्ग एंड हसन ठीक है अब यहाँ पे कॉफी कहाँ पे चिकमगलुरु में मोस्टली होती है बाबा भूदानी हिल्स बाबा बूदान हिल्स जो बाबा बुदान है ये बेसिकली एक सेंट थे जिन्होंने मक्का से वो हज करने गए थे और वहां से मक्का से उन्होंने कॉफी बीन्स लाए थे यहाँ पे और यहाँ पे बाबा भूदान हिल्स में उनको वैसा इन्वायरमेंट मिला था कि कॉफी बीन्स वहां पे उग पाए थे ठीक है इसीलिए उन हिल्स का नाम ही फिर उन सेंट के नाम पे रखा गया बाबा बूदान हिल्स इवन ये बोला जाता है कि उन्होंने स्मगल किए थे कॉफी बीन्स अपने चेस्ट के साथ स्ट्रैप करके कॉफी बीन्स वो वहां से लेके आए थे ठीक है तो ये याद रखना कौन सी स्टेट है कर्नाटका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लोकेटेड इन नॉर्थ अब देखो हमारा नॉर्थ पोर्शन कौन सा हो गया ये ये हमारा सेंट्रल आ गया ये हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं ये हमारी वेस्टर्न स्टेट्स हैं और ये हमारी साउदर्न स्टेट्स हैं तो झारखंड कहाँ पे आएगा आपका यहां पे कहीं सेंटर आसपास जम्मू एंड कश्मीर आपकी नॉर्थ में है हिमाचल प्रदेश उसके नीचे है यहाँ पे हरियाणा यहाँ पे तो सबसे ज्यादा नॉर्थ में कौन सा है ऊपर ये सारा ऑल दो हिमाचल हरियाणा जे एंड सारे सारी आपकी नॉर्दर्न स्टेट्स हैं बट जो हमें ऑप्शन मिले हैं उसमें से नॉर्दर्न मोस्ट कौन सा है और इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट कौन सा है जम्मू एंड कश्मीर इन बिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द मेन लैंग्वेज खासी खासी कहाँ की मेन लैंग्वेज है मेघालय की ठीक है और ये कहाँ बोली जाती है असम में भी एंड सम पार्ट ऑफ बांग्लादेश विच इज अ स्टेट फ्लावर ऑफ हरियाणा इट्स लोटस सो इसमें ज्यादा तो एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है स्टेट फ्लावर ऑफ हरियाणा कौन सा है लोटस आपको डायग्राम साथ में इसीलिए दिए हैं क्योंकि इसे जो पिक्टोरियल मेमोरी है आपकी इंसान की वो स्ट्रांग होती है तो अगर आप इमेजेस देखोगे तो आपको चीज याद रहने के चांसेस ज्यादा है वट आर द मेजर लैंग्वेज स्पोकन इन आंध्र प्रदेश ओडिया तेलुगु तेलुगु उर्दू कन्नडा तेलुगु और ऑल ऑफ तो जो मेजर दैंग्वेजेस है वो है आपका तेलुगु एंड उर्दू देखो जो हमारी साउदर्न की साउदर्न स्टेट्स हैं आप देख लो वहां मेजर लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है साउथ में कौन कौन सी है तमिलनाडु कर्नाटका आंध्र प्रदेश केरला ठीक है तमिलनाडु में हम तमिल बोलते हैं कर्नाटक कर्नाटका में आपका कन्नडा है आंध्र प्रदेश में आपका तेलुगु है केरला में आपका मलयालम है ठीक है तो ये जो सारी लैंग्वेजेस हैं ये किस लैंग्वेज ग्रुप को बिलोंग करती है ड्राविडियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस तो ऑरिजिनेट कहाँ से हुई है Dra से, लेकिन ये जो लैंग्वेजेस हैं ये एक दूसरे से अलग है तो नॉर्थ में ऐसा मिसकसेप्शन है कि साउथ की तमिल तेलुगु सारी सेम होंगी पर ऐसा नहीं होता जिसको तमिल आती जरूरी नहीं उसको तेलुगु भी आए ठीक है ये सारी इनको ये कहाँ से ऑरिजिनेट हुई है आपकी ड्राविडियन लैंग्वेजेस से वो विच आर द फॉलोइंग इज अ कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश इट इज इटानगर आसाम किसकी दिसपुर किसकी कैपिटल है किसका कैपिटल है गोवा एंड इम्फाल किसका कैपिटल है मणिपुर ठीक है आगे देखते हैं इंडिया इज अ फेडरल यूनियन कंप्राइजिंग ऑफ हाउ मेनी यूटीज पहले हम देखते हैं फेडरल यूनियन क्या होता है फेडरल यूनियन में आपका देखो इंडिया जो है ये इसमें सेंटर को काफी इंपॉर्टेंस है ऑल्सो स्टेट्स की अपनी गवर्नमेंट है ठीक है लेकिन हर स्टेट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन किसका है सेंटर का कॉन्स्टिट्यूशन एक है ठीक है जो हम फॉलो करते हैं जो सारी स्टेट्स फॉलो करती हैं तो मतलब एक सेंट्रल अथॉ सेंटर का कॉन्स्टिट्यूशन है बोलने का मतलब एक सेंट्रल अथॉरिटी है जो होल्ड करती है सबको और स्टेट्स के पास भी अपना अपना पावर है तो ब्लेंड ऑफ आप बोल सकते हो ये रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी वो हमारी इंडियन स्टेट्स है ठीक है इसको फेडरल यूनियन बोला जाता है कि स्टेट्स के पास भी अपनी गवर्नमेंट है लेकिन यूनिटरी uh, पावर्स भी जो है सेंटर के पास काफी ज्यादा है हमारी कितनी यूटीज है चलो ये आंसर आप दे दो क्योंकि रिसेंटली एक नई एड हुई है पहले सेवन थी चलो अब एट मैंने आंसर दे दिया अब आप कॉमेंट्स में लिखो वो एट कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज है फादर ऑफ नेशन ये क्वेश्चन तो सबको ही पता होगा महात्मा गांधी Which river is often referred to as the Ganges in India? This is Ganga, sacred river considered किया जाता है इंडिया में What is the national emblem of India? देखो ये इंडिया का नेशनल एम्बलम है ठीक है ये कहाँ से इसको एडेप्शन इसकी कहाँ से हुई है लायन कैपिटल ऑफ अशोका बेसिकली अशोका ने एक पिलर इरेक्ट किया था सरनाथ में एक पिलर इरेक्ट किया था इस शेप का तो वहीं से ये आप बोल सकते हो अडेप्ट किया है हमने अपने नेशनल एम्बलम में और ये जो बीच में इसको अशोक चक्र बोला जाता है जिसके ट्वेंटी फोर स्पोक्स होते हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है नेशनल एम्बल ऑफ इंडिया का ये जो है हमारा नेशनल एम्बलम है ठीक है विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ फाइव रिवर्स लैंड ऑफ फाइव रिवर्स आप पंजाब को बोलते हो पंज मीन्स फाइव वन टू थ्री फोर फाइव हिंदी में पंज फाइव होता है वो फाइव रिवर्स कौन कौन से हैं ब्यास आप मैप में भी देख लो ब्यास जहलम चिनाब रावी सतलुज सतलुज टिबेट में ओरिजिनेट होता है फिर बाद में पाकिस्तान में जाके फ्लो करता है ठीक है फिर पाकिस्तान से होके आगे निकलता है ब्याज जो है पंजाब में ही रहता है पंजाब के क्रॉस ही फ्लो करता है ये वहां के लिए काफी इंपॉर्टेंट है वहां की इरिगेशन के लिए और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए जहलम जो है आपका वो आप यहाँ देखो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे यहाँ फ्लो कर रहा है ये आपका चिनाब है चिनाब जो है ये दो रिवर्स को मिला के बनता है चिनाब हिमाचल प्रदेश में वो दो रिवर्स कौन से हैं चंद्रा एंड बाघा ठीक है ये आपका हो गया ये आपका रावी हो गया ये रावी है ये चिनाब से जाके मिलता है पाकिस्तान में फिर ये दोनों जहलम से मिलते हैं पाकिस्तान में और उनका जो कॉन्फ्लुएंस है वो आके सतलुज से मिलता है पाकिस्तान में और ये सारे जो रिवर्स है ये आके इंदस से मिलते हैं पाकिस्तान में ठीक है लैंड ऑफ फाइव रिवर्स पंजाब विच कंट्री इंडिया शेयर्स इट्स लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विद विच कंट्री देखो इंटरनेशनल बॉर्डर इंडिया का कहाँ कहाँ है ये आ गया पाकिस्तान ठीक है ये हो गया चाइना के साथ बाउंड्री है नेपाल के साथ है यहाँ पे एक छोटा सा सिक्किम के ऊपर एक भूटान है भूटान के साथ है ये आ गया बांग्लादेश के साथ है और यहाँ पे है म्यांमार इनके साथ हमारी इंटरनेशनल बाउंड्रीज मिलती हैं ठीक है तो लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री किसके साथ है हमारी बांग्लादेश इन in in कौन सा ये फोटो एक बार फिर से देख लो दिलीप कुमार ओनली इंडियन है जिसको पाकिस्तानी सिविलियन अवार्ड मिला है uh, कुछ नाम है निशान समथिंग नाम है उसका uh, पाकिस्तानी अवार्ड और एक खान अब्दुल खार अगर आपने हिस्ट्री में इनका नाम सुना होगा खुदाई खिदमतारे टी शर्ट इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसका नाम था खुदाई रेड शर्ट भी बोला जाता था फ्रंट गांधी भी इनको बोला जाता है तो ये ओनली पाकिस्तानी जिनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है इंडिया का और दिलीप कुमार ओनली इंडियन जिनको पाकिस्तानी हाएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट नॉन वायलेंट रेजिटेंस मूवमेंट ठीक है बड़े मास्केल पे लॉन्च की थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंटलीस्बैंड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड ऑन ट्वेंटी जनवरी नाइनटीन फोर्टी नाइन इस दिन हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एडॉप्ट किया गया था ये जो ऑरिजिनल डॉक्यूमेंट है जिसपे सिग्नेचर्स थे हमारे फादर जिन्हें भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कमेटीज के जो मेंबर्स थे जिन्होंने ड्राफ्ट किया था ये उनके सिग्नेचर्स हैं। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सबको पता ही है इंदिरा गांधी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन सी है वो आप कमेंट्स में लिखें द फेमस खाजू ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी आ, आता है ये ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है बेसिकली जो किन्ने बनाया था चंडेलाज चंडेला ने चंडेला डायनेस्टी ने उस टाइम पे ये बना गया था जब वो रूल कर रहे थे कहां पे मध्य प्रदेश में विच स्टेट इज नोन एज गॉड्स ओन कंट्री दिस इज केरला इंडियन स्पेस एजेंसी को क्या बोला जाता है इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नासा इज योर नेशनल एरोनोटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ये कहाँ का है अमेरिका का ईसा इज योर यूरोपियन स्पेस एजेंसी और सी एन एस एज योअर चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी चाइना ठीक है आगे चलते हैं द फेमस इंडियन मोन्यूमेंट ताजमहल इज लोकेटेड विथ टी आगरा ये तो सबको ही पता होना चाहिए हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इनका काफी बड़ा हाथ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में और ये जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद जी ये फिर अलग अलग कमिटीज़ जो बनी थी ड्राफ्ट करने के लिए उनके मेंबर्स थे द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल इज करना मलेश्वरी इनको वेट लिफ्टिंग में ही मिला है ठीक है तो दिस इज अबाउट ट्वेंटी फाइव टॉप जेनरल नॉलेज क्वेश्चनिस्ट में मैं और भी लेके आऊंगी रिलेटेड टू साइंस रिलेटेड टू हिस्ट्री ठीक है तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को बेल आइकन सो यूल गेट नोटिफाइड अपलोड एन वीडियो थैंक यू है